न्यूज क्लिक पर आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे COVID-19 की पैंडेमिक जो अभी चल रही है उसका दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और हमें जो रफ्तार से अभी कहा जा रहा है डेल्टा वेरिएंट बढ़ रहा है दुनिया में, हम उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे प्रोफेसर रात की इस बातचीत से। सत्यजीत, अभी जो हम देख रहे हैं डेल्टा वेरिएंट कहा जा रहा है कि दुनिया में हर जगह पे तेजी से फैल गया है, तो और ये इन्फेक्शन सिर्फ ज्यादा नहीं पैदा कर रहा है, वो हॉस्पिटलाइजेशन भी इसमें बढ़ा है, तो इन आंकड़ों के बारे में आप कुछ हम हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, ये जो वेरिएंट्स हैं प्रबीर, ये जो यूं कहें कि विषाणु की जो नस्लें हैं, इन नस्लों को लेकर अपन में काफ़ी गलत फहमियाँ हैं। तो एक वैज्ञानिक ढांचे में बात सोचनी चाहिए। बात यह है कि अपन ने दुनिया भर में शारीरिक दूरीकरण करके जो विषाणु की जनसंख्या पर दबाव डाला है उसमें से जो नस्लें उभर आई हैं वो फैलाव में माहिर हैं, तो जाहिर है कि और तेज रफ्तार से फैल रही हैं। जो डेल्टा नस्ल फैल रही है तकरीबन 50-60% ज़्यादा तेज रफ्तार से फैल रही है। इसके पहले की जो थी अल्फा बीटा गैमा वो 15-20-30-40% ज़्यादा रफ्तार से फैलती थी। लेकिन इसमें हमने एक बात याद रखनी चाहिए, विषाणु के लिए फैलाव का मतलब सिर्फ इतना है कि कितनी आसानी से विषाणु का कण शरीर की कोशिकाओं में घुस पाए। तो जब शरीर की कोशिका में घुसना उसके लिए ज्यादा आसान है ये इन नई नस्लों वाली वाले विषाणुओं के लिए, तब जैसे व्यक्ति से व्यक्ति तक फैलाव आसान हो जाता है वैसे ही शरीर के अंदर एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक फैलना भी आसान हो जाता है। और इसलिए ये जो नई नस्लें हैं ये बाधित व्यक्ति के शरीर में भी थोड़ी ज्यादा आसानी से ज्यादा तेजी से फैलेंगी और इसलिए गंभीर बीमारी की जो संभावना है वो प्रमाण भी वो मात्रा भी लोगों में थोड़ी सी बढ़ेगी। यानी कि पिछले साल अगर मानिएगा बाधित व्यक्तियों में 10% लोगों को गंभीर बीमारी से ग्रासित किया था तो डेल्टा वेरिएंट से 15-16% तक लोग गंभीर बीमारी से ग्रासित हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे फर्क हैं, क्योंकि अपन गिन रहे हैं आंकड़े और बड़ी सचिंत नजर से गिन रहे हैं तो अपन को महसूस होंगे, लेकिन बढ़त इस मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल 10% लोग गंभीर बीमारी से ग्रासित होते थे और इस साल 60-70% लोग गंभीर बीमारी से ग्रासित होंगे, यूं बात नहीं है। जिसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे जिसे थोड़ी सी ज्यादा संभावना कहते हैं, उस तरीके की ये बात है। और अभी हमारे यहाँ पर जो जीनोमिक स्टडीज कहते हैं देखने के लिए कौन सा वेरियंट किस रफ्तार से बढ़ रही है, उसका मात्रा क्या है और क्या इसको ट्रैक करने के लिए देखने के लिए, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी और नए वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न निकल के आ रहे हैं, तो उसको देखने के लिए क्या हमारे यहाँ पर अभी जीनोमिक सैम्पलिंग जो कहते हैं जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं ये काफ़ी है या अभी भी इसके इस पर सुधार की ज़रूरत है? यूं देख लीजिएगा, थोड़ी आंकड़ों पर नज़र डालें अपन। आज की तारीख में मान लीजिएगा दिन में 50,000 नई बीमार लोगों का आंकड़ा निकलता है। तो अब पहले कहा जाता था कि कम से कम 3%, यानी कि हर दिन 1500, उस दिन के 1500 मरीजों के विषाणु की श्रृंखला प्रणाली निश्चित की जाए, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। क्या इतना हो रहा है हम जानते नहीं हैं, क्योंकि ये जो इंसकॉग है जीनोम सीक्वेंसिंग वाली समिति है उनसे हफ्ते दर हफ्ते कुछ ना कुछ रपट बनती है। लेकिन
तकरीबन जो आंकड़े निकल रही है उनसे ये जाहिर हो रहा है कि उस मात्रा में सीक्वेंसिंग अभी भी नहीं हो रही जिस मात्रा में होनी चाहिए। तो इसलिए हालांकि वैज्ञानिक जुटकर काम कर रहे हैं, काम की मात्रा वहां तक नहीं पहुंची जहां तक उसे पर्याप्त कहा जा सके। और आखिरी मुद्दा उसमें ये है कि ऐसी कम मात्रा की सीक्वेंसिंग के आधार पर वैज्ञानिक कुछ न कुछ अंदाज लगा रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि एक वेरिएंट है, एक नस्ल है, अब नस्ल में और बदलाव भी होते जाएगा तो उस बदलाव के पीछे भी वैज्ञानिकों ने लगना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और इसके लिए पर्याप्त सैंपल्स की सीक्वेंसिंग होनी चाहिए जो शायद अभी तक, जहां तक अपन बाहर से जानते हैं, नहीं हो रही। और इसीलिए अगर हमें इस महामारी को रोकना है तो वैक्सीन्स बहुत अहमियत रखती है, ये अब साफ नजर आ रहा है। जो कह रहे थे कुछ लोग हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगा, उनका यह भी विश्वास था कि शायद इतनी तेजी से एक कोरोना वायरस जो है वो नहीं बदलेंगे, जैसे फ्लू वैक्सीन हर साल बदलते हैं, यहाँ शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अब साफ है कि ये हकीकत नहीं है, कोरोना वायरस भी एवोल्यूशनरी प्रेशर से बदलते रहते हैं और उस बदलाव के लिए हमें वैक्सीन की हर साल नहीं, अभी तो इस महामारी को रोकने के लिए, इसके बाद क्या करेंगे वो तो बाद की बात है। सत्यजीत, ये अब जो वैक्सीन अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिकमेंडेशंस सरकारों जो कहते हैं इमरजेंसी यूज अथॉरिटीज की हुई है, कुछ जगहों पे कुछ वैक्सीन, कुछ जगहों पे और कुछ वैक्सीन, WHO कुछ वैक्सीन, तो ये वैक्सीन पासपोर्ट की एक बात हो रही है और उसमें अभी लगता है कि हमारे जो वैक्सीन अभी दो ही वैक्सीन हमारे यहाँ है उसको कोवैक्सीन के अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कहीं नहीं मिला है, और कोविशील्ड को अभी जो बातचीत हो रही है, कोविशील्ड यूरोप उसको अभी भी रिकग्नाइज नहीं किया, और अमेरिका तो एस्ट्राजेनेका को वैक्सीन की भी उस तरह कोई दर्जा नहीं दिया, हालांकि WHO कम से कम कोविशील्ड को रिकग्नाइज करता है। तो इस तरह से एक तो वहां पर कम से कम एक दरवाजा है जिसके जरिए हमारी शायद ग्रीन पासपोर्ट, वैक्सीन पासपोर्ट मिल जाए, तो इसके बारे में क्या स्टेटस क्या है अलग अलग जगहों जी? तो प्रबीर, हम लोग पिछले साल से इस बात के बारे में बातचीत करते आए हैं कि अगर काफी वैक्सीन्स कारगर हो जाएं तो आगे चल के इन वैक्सीन्स में स्पर्धा होगी, क्योंकि मुनाफे वाली निजी कंपनियों के मार्फत बनी जा रही हैं ये, तो स्पर्धा होगी, तो एक दूसरे के पांव खींचेंगे और उसमें सामाजिक सार्वजनिक हित की बात तो नहीं सोची जाएगी। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये कि जिन्हें टीके मिले हैं और जिन तक अभी तक टीके नहीं पहुंचे, ऐसे लोगों में एक फर्क सा किया जाएगा और उससे मानवीय हकों का संरक्षण होगा कि नहीं, ये भी बात सोचनी चाहिए। तो इस ढांचे में अगर सोचें तो अभी पिछले दो दिनों में जो खबरें आई हैं कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने जिन वैक्सीन्स को इजाजत दी है कि अगर वो आपने ली हैं तो आपके पास ग्रीन पास है यूरोपीय समुदाय में आने आवाजाही करने के लिए, तो उसमें NIH मॉडर्ना वाली वैक्सीन शामिल है, उसमें बायोनटेक फाइजर वाली वैक्सीन शामिल है, उसमें यानसन जानसन जानसन वाली वैक्सीन शामिल है, उसमें एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन शामिल है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड शामिल नहीं है। हालांकि एक ही चीज है दोनों, जबकि वो एक ही चीज है, एस्ट्राजेनेका की यूरोप वाली वैक्सीन जिसका नाम कुछ अलग सा है जो मेरे याद नहीं रहता, और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। लेकिन
ये शायद बाबूशाही का मसला है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी में। बाबूशाही कैसे कि एक अर्जी आई थी एस्ट्राजेनेका से उस नाम से, वैक्सीन के उस नाम से, तो हमने भैया फाइल देखी और उसको इजाजत दे दी। अब ये जो आप कोविशील्ड कह रहे हो उसकी फाइल तो नहीं आई, उसकी अर्जी तो नहीं आई, तो अर्जी नहीं आई तो हम कैसे इजाजत दे दें? शायद ये मसला है। लेकिन इसी तरीके के मसलों से, इसी बाबूशाही से काफी अड़चनें पैदा होनी है लोगों को आने जाने के लिए। जैसे कि अमेरिका ने, जैसे आपने कहा कि कोविशील्ड को तो छोड़ दीजिएगा, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भी अभी तक इजाजत नहीं दी। अब हिंदुस्तान से जो छात्र छात्राएं जा रही हैं अमेरिका पढ़ने के लिए, उनके पास तो दो ही रास्ते हैं, या तो कोविशील्ड ले लो या तो कोवैक्सीन ले लो। अभी अभी तीसरा स्पुटनिक वी का रास्ता है, लेकिन इनमें से कोई भी वैक्सीन अगर अमेरिका में इजाजत प्राप्त नहीं है तो इन बच्चों की आवाजाही का क्या होगा? ये हुई एक बात। दूसरी बात ये कि बड़ी संभ्रम की अवस्था है कि WHO की मान्यता प्राप्त वैक्सीन की सूची एक है, यूरोपियन समुदाय की मान्यता प्राप्त वैक्सीन की सूची दूसरी है, अमेरिका की तीसरी है, शायद कनाडा की चौथी होगी, शायद ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की पांचवी होगी, शायद सिंगापुर की छठवीं होगी। तो इससे इतना, अब हिंदी में जिसे कंफ्यूजन कहते हैं, वैसा मामला खड़ा हो जाना है। और इस मामले में सबसे ज्यादा परेशानी जो आम काम के लिए अंतरराष्ट्रीय यातायात में शिरकत कर रहे हैं, ऐसे हिंदुस्तान से पश्चिमी एशिया जाने वाले या तो और किसी काम के लिए या तो जहाजों पे जाने वाले मजदूर वर्गों के लिए होनी है, क्योंकि उनकी जानकारी सबसे कम है, उनके लिए उपलब्धियां सबसे कम है, और उनके लिए ये परेशानियां बहुत ज्यादा होनी है, और आते महीनों सालों में ये परेशानियां बढ़ेंगी। यानी अलग अलग कॉम्पिटिशन चल रहे हैं यहाँ पर। पहले तो वायरस की कॉम्पिटिशन, जिसमें कौन आगे, कौन सी स्ट्रेन वायरस आगे जाएगी, कौन सा नस्ल आगे जाएगी, इसके बाद वैक्सीन की कॉम्पिटिशन, और उसके बाद राष्ट्रीय जो एजेंसीज है उनकी कॉम्पिटिशन कि अपने मार्केट राष्ट्रीयता के अधर असर में हम कौन सा मार्केट को किसके लिए छोड़ेंगे, वो कंपटीशन भी जारी है। सत्यजीत, आखिरी बात आपसे कि आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अगर पब्लिक हेल्थ की निगाह हमारे हर जगह पे होती तो हम शायद बड़े पैमाने पे ट्रायल्स करते, WHO के तहत ट्रायल्स करते, और इसमें जो वैक्सीन मिक्स करने की बातचीत चल रही है, खास तौर से जब एडनोवायरस वेक्टर वैक्सीन होती है तो दो अलग अलग वैक्सीन होने से कुछ फायदे हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो वो एक साथ हम कर सकते थे, जिससे ये कन्फ्यूशन को जो आप हिंदी में कह रहे थे, कन्फ्यूशन की संभावना घट सकती थी। तो इस तरह के कुछ क्रॉसओवर ट्रायल्स हो रहे हैं क्या वैक्सीन मिक्स करने के इस वक्त? तो प्रबीर, फिर एक बार एक तकनीकी राजनीतिक ढांचे में देखा जाए इस सवाल को। और ढांचा ये है कि जैसे हमने कहा कि ये सारी निजी कंपनियों द्वारा स्पर्धा में वैक्सीन उतारी गई हैं, तो जाहिर है कि पिछले साल WHO का प्रस्ताव होने के बावजूद ऐसी कोई जांचें नहीं शुरू की गई जिसमें तौलनिक नतीजे निकल पाए किसी विश्वसनीय तरीके से। तो लेकिन जनवरी में, इस साल के जनवरी में, जब भारत सरकार ने दो वैक्सीन्स को इजाजत दे दी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए, तब भारत सरकार ने भी ऐसी जांचें शुरू नहीं की कि मान लीजिएगा पहला डोज कोविशील्ड का हो, दूसरा को वैक्सीन का हो, या उल्टा हो, तो क्या सही होगा, क्या फायदेमंद होगा। ये तभी शुरू करते जनवरी में, तो आज तक नतीजे आके अपन कुछ प्रशासनिक नीतियां बना पाते।
ये अभी अभी हाल में शुरू हो रहा है, 2-3 महीनों में उम्मीद है कि नतीजे आएंगे। तो ये जो देर दुरुस्त बात हो रही है, इसमें देर इसलिए हो रही है कि हम पूंजीवादी रवैया अपना के सार्वजनिक हित को साधना चाह रहे हैं। लेकिन यूरोप ने अभी अभी लैंसेट में कल परसों शोध पत्रिका निकली है कि स्पेन में पहला डोज बायोएनटेक फाइजर वाली वैक्सीन का और दूसरा डोज एस्ट्राजेनेका की टीके का, तो उससे ये साबित कर दिखाया है कि ये सुरक्षित है। अब उसमें कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन नतीजों के आधार पर साबित है कि ये सुरक्षित है और जो प्रतिकार क्षमता बढ़ाने की बात है उसके लिए काफी फायदेमंद है। तो पहले पहले नतीजे निकल रहे हैं और ये नतीजे सिर्फ आम टीकाकरण की नीतियों के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि ये जो नई नस्लों की बातें हैं, जैसे कि डेल्टा नस्ल की बात है या आने वाली महीनों में नई नस्लें निकलेंगी उनकी बातें हैं, तो उनके लिए जहां तक हो सके अभी मौजूद टीकों के जरिए एंटीबॉडीज की मात्रा जहां तक बढ़ा सके वहां तक बढ़ाएं, तो इन नस्लों की के जो खतरे हैं उनको अपन काबू में रख पाए। उस लिए भी ये जो जिन्हें क्रॉसओवर जांच कहा जाए, इनका फायदा बहुत होना है। पहले पहले नतीजे इसी हफ्ते में निकले हैं, उम्मीद है कि आगे चल के ये जो सार्वजनिक हित में जांचें हो रही हैं उनके और नतीजे अपन के सामने आएंगे। सत्यजीत, आपके साथ ये बातचीत हम जारी रखेंगे, क्योंकि लगता है कि हमारे साथ वायरस और उसकी नस्लें और उसके साथ साथ वैक्सीन, राष्ट्रीयतावाद, पूंजीवाद के जो सवाल जुड़े हुए हैं वो हमारे सामने अभी भी काफ़ी दिन तक रहने वाले हैं। तो हम आपके साथ इस बातचीत को जारी रखेंगे। उसके साथ साथ और भी जो सवाल आ रही है कि हम पहले भी जिक्र कर चुके, लेबॉरेटरी से बना, नेचर से निकला, इसमें क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थियोरीज इस वक्त जारी की जा रही है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये लगता है कि बहुत घटिया तरह की डिबेट चल रही है। पर डिबेट अगर है और हर जगह पे इसकी चर्चा हो रही है, तो हमको भी करने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि हम इसको एक वैज्ञानिक डिबेट का स्तर उसको नहीं मानते, पर जो है सो है। तो वो सब बातचीत करेंगे, और खास तौर से कि जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम की रिस्पॉन्स क्या होनी चाहिए इस वायरस के पैंडेमिक पे, और उसके साथ साथ और दूसरे सारे जो बीमारियों पे हम करीब करीब नजर डालना भूल गए हैं, वो खत्म तो हुए नहीं है, अभी भी है हमारे समाज में बरकरार, उसके बारे में। तो सत्यजीत, आज के लिए इतना ही। हमारे दर्शकों के लिए को धन्यवाद कि हमारे साथ रहने के लिए और हमारे इस चर्चा में शामिल होने।